आज मैं आप लोग को हिंदी में व्यंजन पढ़ाने जा रही हूँ। पर व्यंजन से पहले मैं कुछ रेखाएं बता चुकी थी पहले, उसको एक बार दोहरा रही हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगी। देखिए ये क्या है, ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा जिसे आप लोग इंग्लिश में स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं। और ये वाली कौन सी रेखा है बेटा, ये जो है ये स्लीपिंग लाइन है, ये सोया हुआ होता है, ठीक है। ये हमारा स्टैंडिंग लाइन है, ठीक है। ये स्टैंडिंग लाइन और स्लैटिंग लाइन दोनों होता है, और इसको हम तिरछी रेखा बोलते हैं। ये दो तरह से बनता है, और ये है हाफ सर्कल, और ऐसे हाफ सर्कल दोनों हाफ सर्कल को मिला के बड़ा सर्कल, यानी ये गोला, गोला भी हम बताया था आपको हिंदी में, ऐसे बनता है, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ेंगे, इस गोला और ये वाला, ये और ये तीन चीज से मिला के हम एक अक्षर बनाएंगे जो क कहलाता है। देखो मैं कैसे बना रही हूँ, आप लोग भी सीखना। सबसे पहले हम डालेंगे स्लिपिंग लाइन, ये देखिए स्लिपिंग लाइन मैंने डाला। फिर मैं क्या डालूंगी, स्टैंडिंग लाइन यानी खड़ी रेखा, देखिए ऐसे, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, हाफ सर्किल, हाफ सर्किल नहीं लेंगे, पूरा सर्किल यानी पूरा गोला जो मैंने बताया था वो इससे सटे हुए ऐसे बना लेंगे। देखें मैंने बनाया ना, आप लोग भी देखो। फिर अब क्या बनता लेंगे, आधा सर्किल वाला जो है इससे सटे हुए ऐसे, तो एक अक्षर बना बना। इस अक्षर को हम लोग बोलते हैं क, क से क्या बनता है, क से कमल, क्या बनता है, कमल। कमल का फूल आप लोग देखे हो, देखो ये बना ना कमल, ये होता है क से कमल। इसे आप लोग अपनी कॉपी में लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, और मेरे पास जो मैं आज आप सभी को एक नई कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है मेरी बिल्ली। क्या कविता का नाम है, मेरी बिल्ली। तो चलिए आप लोग आप आज मेरे साथ पढ़िए और इसे याद कीजिए। मेरी बिल्ली काली पीली, मेरी बिल्ली काली पीली, पानी में हो गई वो गीली, क्या हो गई, गीली। गीली होकर लगी कांपने, गीली होकर लगी कांपने, आछी आछी लगी छींकने, क्या करने लगी, आछी आछी लगी छींकने। मैं फिर बोली कुछ तो सीख, बिना रुमाल के कभी न छींक, बिना रुमाल के कभी न छींक। मेरी बिल्ली काली पीली, पानी में हो गई वो गीली, गीली होकर लगी कांपने, आछी आछी लगी छींकने। मैं फिर बोली कुछ तो सीख, बिना रुमाल के कभी न छींक, बिना रुमाल के कभी न छींक। थैंक यू, आप लोग इसे लर्न कीजिए और मेरे पास वीडियो बना के भेजिए। चलिए आज हम सभी सांप सीढ़ी कविता पढ़ते हैं, और ये सांप सीढ़ी कविता पता है किस खेल पे है, ये जो हम लोग लूडो खेलते हैं ना, आप लोग लूडो देखे हो ना, उसी में होता है सांप सीढ़ी खेल, उसी पे आज हम लोग ये कविता पढ़ने वाले हैं। आप लोग मेरे साथ कविता गाइए और सीखिए, बोलिए मेरे साथ। बना खेल यह बड़ा निराला, एक से सौ तक गड़बड़ जाला, कहीं पर सीढ़ी कहीं पर सांप, ऊपर नीचे फिसले आ। देखिए यहाँ बना ना, कहीं सीढ़ी है कहीं सांप है ना, देखिए और नंबर भी दिया है 1 to 100 तक, इसी पे खेलना है। तो फिर से हम लोग राइम्स गाते हैं और साथ में बोलिए। बना खेल यह बड़ा निराला,
एक से सा तक गड़बड़ झाला, कहीं पर सीरी कहीं पिसा, ऊपर नीचे फिसले आप। ऐसे आप लोग लर्न कीजिए और मेरे पास वीडियो बना के भेजिए। थैंक यू। मैं आप लोगों को आज एक राइम्स हिंदी कविता पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है आओ भाई आओ। आज इस कविता में मैं आपको रसगुल्ले के बारे में पढ़ाऊंगी और आप इसे याद भी कीजिए और मेरे साथ गाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए। आओ भाई आओ, क्यों भाई क्यों, आओ भाई आओ, क्यों भाई क्यों, एक चीज मिलेगी एक चीज मिलेगी, क्या भाई क्या, क्या भाई क्या, रसगुल्ला। क्या मिलेगी? रसगुल्ला। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, दूर भगाओ किसको जी, दूर भगाओ किसको जी, गंदी गंदी मक्खी छी छी छी, गंदी गंदी मक्खी छी छी छी। चलिए फिर से बोलते हैं, बोलिए मेरे साथ। आओ भाई आओ, क्यों भाई क्यों, एक चीज मिलेगी एक चीज मिलेगी, क्या भाई क्या, रसगुल्ला। वाह भाई वाह, दूर भगाओ किसको जी, दूर भगाओ किसको जी, गंदी गंदी मक्खी छी छी छी। ऐसे ही आप लोग ये कविता लर्न कीजिएगा, याद कीजिएगा और मेरे पास वीडियो बना के भेजिएगा। थैंक यू। चलो आज हम लोग राइम्स पढ़ते हैं। राइम्स में क्या पढ़ना है बच्चों? बच्चों आज हम जोकर के बारे में जानेंगे। जोकर क्या है? देखो, आपने जोकर देखा है? नहीं देखा ना, देखिए ये है जोकर। ये कहाँ दिखता है? आपने टीवी पे देखा होगा ना, सर्कस में होता है जोकर। बहुत बच्चों को हंसाता है, सबको हंसाता है। तो चलो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और याद भी करते हैं। चलिए आप लोग मेरे साथ शुरू कीजिए और गाइए, अच्छे से गाइए। बैट घुमाकर आता जोकर, जोकर क्या कर रहा है? बैट घुमा रहा है ना, तो बोलो बैट घुमाकर आता जोकर, सर्कस का हीरो है जोकर, हंसा हंसा कर क्या करता है, हंसा हंसा कर हमें लुभाए, करतब करके हमें दिखाए। बैट घुमाकर आता जोकर, सर्कस का हीरो है जोकर, हंसा हंसा कर हमें लुभाए, करतब करके हमें दिखाए। थैंक यू। ऐसे ही आप लोग लर्न करो और मेरे पास वीडियो बना के भेजो।